स्टडी की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि 1 घंटा हमने मार्केट की स्टडी कर ली है। एक बार बैंक निफ्टी निफ्टी बस और देख लेते हैं कि क्या बताने की कोशिश कर रही है। 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं, ठीक है? ये देखिएगा, 15 मिनट के चार्ट पे आ गए, इसने इसको ब्रेक करा, नीचे तोड़ा और नीचे से फिर बाइंग आ रही है। सो अब हमें वेट करना है। ये देखिए, ये लेवल है, ये देख रहे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकंड वेट करिए। आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, रुकिए मैं ना सभी हटा देता हूँ, मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये रेंज बन रही है, ठीक है? ये एक रेंज है। अब इस रेंज के अंदर जब तक है तब तक हमें एक ट्रेड नहीं लेना है, ठीक है? ये देख रहे हैं, ये रेंज के अंदर ऊपर जैसे ही ब्रेक करेगा 19375 को, हम एक बाय बना लेंगे जो कि इसे 19450 तक लेकर जाएगा। और जैसे ही ये रेंज नीचे की तरफ ब्रेक करेगी, हमारा पहला टारगेट ये हुआ, ठीक है? अब ये क्यों मैंने रेंज निकाली, अब आप ये देखिए, यहाँ से शेयर जब ऊपर गया और नीचे आया, यहाँ पर इसने बाय करा, डिमांड आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, यहाँ पर बाय आया, ये ऊपर गया। जब नीचे आया, ये पर्टिकुलर रेंज को तोड़ा, तो आप देख रहे हैं दोबारा यहाँ पर रेजिस्टेंस आ गया, जो पहले डिमांड का काम कर रहा था वो अब सप्लाई आ गया, नीचे आ गया और दोबारा ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए, ये दोबारा होल्ड कर रहा है, ये देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, यहाँ पर ये दोबारा होल्ड कर रहा है, एग्जैक्ट इसके ऊपर नहीं निकला और रेड कैंडल बन गई है। जैसी ये बनती है, हम मान के चल सकते हैं दोबारा यहाँ से नीचे आ सकती है, जो कि पहले डिमांड थी, जो यहाँ डिमांड थी टूटने के बाद वो सप्लाई बन गई, और यहाँ पर दोबारा रीटेस्ट कर रहा है, तो रीटेस्ट पहली बार कर रहा है, तो पहली बार स्ट्रॉन्ग होता है रीटेस्ट, और यहाँ पर एक सेल बनता है। तो मार्केट को सेल ही करना है, मार्केट को एक रिस्क लीजिए। अब मैं आपको क्या कहता हूँ, आप लोगों को देखिए, मैं आप लोगों को फोर्स नहीं कर रहा हूँ कि आप लोग ट्रेड लीजिए, बट जो लोग चाहते हैं वो लोग इसके ऊपर या फिर यहाँ पर एक स्टॉप लॉस को मेंटेन करिए, यहाँ पर एक सेल जनरेट करिए, और टारगेट सबसे पहला ये लेकर चलिए जो कि 19200 का होगा, और ये होगा अराउंड लेवल जो निकल के आ रहा है 19000 का, ठीक है? ये लेवल निकल के आ रहा है 19000 का। स्टॉप लॉस आपका क्या बन रहा है, देखिए, अब आप लोग अगर शॉर्ट कर रहे हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी को, तो वो कर रहे हैं अराउंड 19330 पे। स्टॉप लॉस आपका क्या है, स्टॉप लॉस आपका है अराउंड 130 पॉइंट्स का आपका स्टॉप लॉस होगा। टारगेट आपका क्या होगा, टारगेट आपका होगा अराउंड 300 पॉइंट्स का, ठीक है? तो आप एक रिस्क के साथ अगर आप शॉर्ट करना भी चाहते हैं तो आप अगर बैंक निफ्टी को शॉर्ट कर सकते हैं। सो गाइज, मैं आप लोगों को फोर्स नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आप लोगों को बता रहा हूँ कि अगर मैं करता तो मैं इस तरीके से करता, आज अभी ट्रेड लेता। सो गाइज, आप इस पर्टिकुलर बैंक निफ्टी को भी वॉच करके चल सकते हैं। 230 आ चुका है, और यहाँ पर हमने अपने शायद क्लाइंट्स को पुट बाय करने की सलाह दी थी, 19300 की पुट हमने शायद अपने क्लाइंट्स को बाय करने की सलाह दी है, चेक करिएगा। हमने अराउंड 130 पे दी है, 140 पे दी है। आप लोग गाइज, अगर आपके पास स्क्रीन ओपन है तो आप एक बार जाके चेक करिए कि 19300 की जो पुट ऑप्शन है, जो कि आज की एक्सपायरी की है, वो कितने पे ट्रेड कर रही है, मुझे एक बार बताइए। तो ये देख रहे हैं, मैंने आप लोगों को एक फोटो भेजी है, ये देख रहे हैं। तो हमारे जो क्लाइंट्स हैं, जो मैंने आप लोगों को बताया था, मैंने भेजा है, आप देखिए 9:50 पे, यहाँ पे एग्जैक्ट 9:50 पे मैंने आप लोगों को यहाँ पर बाय की सलाह दी है। देखिए, एक सेकंड, यहाँ पर मैंने बाय की इन लोगों को सलाह दी, मैंने बोला बैंक निफ्टी का 19300 का पुट बाय करिए 160 पे, 220-270 का टारगेट है। और अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी का जो अभी वो पर्टिकुलर ट्रेड है वो हाई मार के आया है 250 का। तो ये जो टारगेट आपको दे रखा है 220 से लेके 270 का, यानी कि एक रेंज होती है, इस रेंज में आप कभी भी एग्जिट कर सकते हैं। अगर आपको इस रेंज का मिड पॉइंट मिलता है तो आप एग्जिट कर लीजिए। 250 का इसका हाई है बैंक निफ्टी के पुट का अभी, और आप देख सकते हैं कि हमारे जो क्लाइंट्स हैं वो लोग एग्जिट कर चुके हैं। सो मैं आप लोगों को पुराना तो नहीं दिखा सकता कि हमारी पुरानी क्या बात हुई है, जो ये 6 मंथ के क्लाइंट हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो अब हम बढ़ते हैं दोबारा चार्ट की, एक बार हम देखते हैं कि बैंक निफ्टी का क्या हाल है जो इतना गिर गया है। ये देखिएगा,
हमने आप लोगों को बताया था, किसी ने अगर ये बैंक निफ्टी शॉर्ट करके रखा है तो हमें प्लीज बताइए, जो मेरे कहने पे अगर आप लोगों ने शॉर्ट करा होता तो। इस लेवल पे हमने आपको शॉर्ट की सलाह दी थी एग्जैक्ट, इतना सा हमारा स्टॉप लॉस था और हमारा इतना बड़ा टारगेट है। पहला टारगेट अचीव हो चुका है और जो कि 200 का लेवल था, और उसके बाद आप देख सकते हैं कि अभी दोबारा नीचे आने की कोशिश कर रहा है जो कि 1900 रुपए का लेवल है। सो वेट करते हैं इस पे और देखते हैं कि दोबारा ये नीचे जाता है हमारे लेवल्स तक आता है या नहीं आता है। ठीक है,